हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोनफिक्स हैदराबाद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, फोनफिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से हम हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक हैंडसेट है जिसमें दो पावर एसी लग के है और अभी ये हैंडसेट डेड है, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आपको चेकिंग करनी है, क्या क्या चेक करना है, और डीसी से भी हम स्विचिंग देखेंगे कि क्या स्विचिंग इसमें आ रही है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी यहाँ पे लग के है, डिस्प्ले का पत्ता भी लग के है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्जर लगाऊंगा इसमें, और चार्जर लगाकर यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं आपको कि देख सकते हैं, तीन नंबर जो इसका है, तीन नंबर में मैंने यहाँ पे बैटरी लगा ली है। और चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एम्पियर स्विचिंग नहीं ले रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। एक बार मैं बैटरी निकाल के लगाना चाहूंगा, एक बार बैटरी निकाल के मैं लगा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ये बैटरी मैंने लगा लिया है, फिर से एक बार मैं यहाँ पे चार्जर लगाऊंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे एम्पियर नहीं लिफ्ट कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 0-0 ही है यहाँ पे। अभी जैसे मैं यहाँ पे चार्जर को एक बार लाकर चेक करता हूँ, चार्जिंग पिन अच्छे से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे एम्पियर लिफ्ट नहीं कर रहा है। अब हम डीसी से एक बार स्विचिंग करेंगे, जैसा देख सकते हैं 0.01 आकर जा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं 0.1 ऐसा आकर के जा रहा है, मतलब कोई एम्पियर नहीं ले रहा है लिफ्ट। अब हम यहाँ पे डीसी से इसको स्विचिंग करेंगे। बैटरी में बालू रख देता हूँ, हालांकि बैटरी चार्ज है इसमें, ये भी मैं आपको चार्ज करके बता दूंगा। तो एक बार डीसी से देखते हैं क्या हो रहा है। तो इस तरह से तो उल्टा लगाना है उनको, तो ये देख सकते हैं डीसी से मैंने कनेक्ट कर लिया है। एक बार पावर की प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं 0.097 पे ये रुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, बेसिकली ये क्वालकॉम सीपीयू होता है, तो 0.097 पे जो इस तरह से आके रुके हैं, इसमें जो सीपीयू है SGM636 इसमें सीपीयू लग के है, जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको। तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर लिया हूं मैं, और एक बार सीपीयू उसका देख लेते हैं। तो चार्जर से तो कोई यहाँ पे वोल्टेजेस नहीं दे रहा है, और अगर सीपीयू की बात करूं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इस पे ये हीट रेजिस्टेंस रबर रखते हैं, इसको पहले रिमूव करना होगा आपको, तो इसको हटा लेते हैं इस तरह से। तो क्वालकॉम SGM636 इसमें सीपीयू लग के हैं, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें अभी जो ये स्ट्रक हो रहा है, बेसिकली EMMC और रैम के ऊपर ये एक डॉट यहाँ पे आता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, अगर हम EMMC के अगर वोल्टेजेस की बात करें, तो VCC, VCCQ, EMMC के लिए वोल्टेजेस जनरेट होते हैं। तो हम चार्जर लगा के सबसे पहले हम EMMC के वोल्टेजेस चेक करते हैं कि इसके वोल्टेजेस बन रहे कि नहीं बन रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, EMMC डैमेज हो सकता है। इसमें सैमसंग का EMMC लग के है, KM3V6001CM B705 नंबर की एक EMMC लग के, बेसिकली नोट 5 प्रो जो हैंडसेट होता है इसमें EMMC का फॉल्ट होता है। तो ऐसे में हम EMMC को चेंज कर देते हैं या चेक करते हैं, बट हमेशा यह मत सोचिए कि एक ही जगह से फॉल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये 0.09 पे यानी EMMC पे आके रुका है। तो यहाँ पे हम अभी ये भी देखेंगे कि EMMC की सप्लाई इसमें सही है कि नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर इस हैंडसेट में अगर बात करें, तो इसमें रैम के लिए जो वोल्टेजेस बनते हैं 0.6 के, उसके लिए एक IC जिम्मेदार होती है, जो कि हमारा अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की एक छोटी सी IC आती है, और यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम में भी बताना चाहूंगा आपको। तो इस तरह की बक कन्वर्टर IC आती है, ये देख सकते हैं बक फॉर VDD रैम, जिसको डबल डाटा रेट के लिए एक IC होती है। ये फोनफिक्स हैदराबाद का डाटा है, जो हम लोग स्टूडेंट को क्लास में भी बताते हैं। तो इस तरह की एक IC आती है, अगर बात करें 15 बॉल की IC होती है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे तो इसको कैसे बाईपास करना है, क्या करना है आगे देखेंगे, क्या ये IC से फॉल्ट है या फिर ये आपको EMMC से फॉल्ट है देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें चार्जर लगाऊंगा, और चार्जर लगाकर EMMC के पास हम चेक करेंगे VCC VCCQ के
जो वोल्टेजेस होते हैं वो बन रहे कि नहीं बन रहे, तो उसको कैसे हमको चेक करना है, तो सबसे पहले ईएमसी का हमको नंबर निकालना है। तो ईएमसी का जो कोड है, सबसे पहले उसका कोड निकालते हैं। तो ईएमसी का है 1001, कोड है U1001 टाइप करेंगे और ईएमसी के पास जाते हैं। और ये हम आ जाते हैं ईएमसी के पास, देख सकते हैं यहाँ पे ईएमसी का U1001 कोड और ईएमसी के पास वोल्टेजेस चेक करते हैं। तो यहाँ पे VCC VCCQ के वोल्टेजेस चेक करेंगे, तो इसका पावर सेक्शन में आते हैं, ये तो ग्राउंड का सेक्शन हो गया इसका। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे VCC VCCQ हमको यहाँ पे मिल गया। VCC आपको देखने मिलेगा ईएमसी के पास अगर नंबर है 1020, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आकर डालना है 1020। नेक्स्ट करेंगे तो ईएमसी के पास यहाँ पे कैपेसिटर है जो कि ईएमसी के नीचे है, यहाँ पे छोटा सा कैपेसिटर है, इस पे हम चेक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाने चाहिए VCC के वोल्टेज जो कि हमारा 2.8 के आसपास होता है। उसके बाद VCCQ की अगर बात करें 1021, और 1021 की अगर बात करें तो वो वाला है हमारा ये वाला कैपेसिटर। तो ये कैप पे 1.2.8 और यहाँ पे 1.8 मिलने चाहिए। तो एक बार सबसे पहले मैं इसी को यहाँ पे चार्जर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप नीचे का पत्ता लगा लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। तो ये स्टेप्स है, फॉलो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ईएमसी के नीचे आपको चेक करके बताऊंगा यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे हम चार्जर पहले लगा लेते हैं, मल्टीमीटर को रख लेंगे DC 20 पे, और अभी हम चार्जर इनपुट करेंगे और चार्जर इनपुट करके चेक कर लेते हैं पहले ईएमसी के वोल्टेजेस बन रहे कि नहीं बन रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं जो अभी वोल्टेजेस चेक करने वाला हूँ यहाँ पे, ये हमारा 1.8 का वोल्टेज बनना चाहिए और यहाँ पे हमारा 2.8 के वोल्टेजेस बनने चाहिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें हमारा वोल्टेज इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 5 वोल्ट का जो सप्लाई है तो कुछ वोल्टेजेस इन हो रहे हैं कि नहीं भी हो रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं VTH अगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे चार्जर से कोई वोल्टेज इसमें इन नहीं हो रहे। एक बार चार्जर जो है हम दूसरा भी लगा के चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे VPH के वोल्टेज बनने चाहिए, तो देख सकते हैं VPH के तो वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। अब एक बार मैं यहाँ पे ईएमसी के पास वापस से चेक करता हूँ। हो सकता है इस साइड में ग्राउंड पिन है इसका, और कहीं बाजू में देखते हैं और भी कैप्स होते हैं इसके। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आप एक बार इसमें बैटरी भी कनेक्ट करिए और बैटरी कनेक्ट करके चेक करिए कि ईएमसी के पास आपके वोल्टेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद डिस्प्ले को आपको बाजू रख देना है और फिर हम यहाँ पे ईएमसी के पास चेक करेंगे कि हमारे जो वोल्टेजेस है वो बन रहे कि नहीं बन रहे। तो वापस से मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर लिया है, उसके बाद चेक करेंगे। देख सकते हैं कोई वोल्टेजेस यहाँ पे हमको नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है ईएमसी में भी कोई वोल्टेजेस नहीं आ रहे हो जिसके कारण आपका ईएमसी काम नहीं कर रहा हो। चलिए एक बार मैं यहाँ पे शिफ्ट निकाल लेता हूँ जिससे
आसानी से समझ में आ जाएगा कि एमएमसी के पास वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे। थोड़ा करीब से बताना चाहूँगा क्योंकि चेक करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे और इस साइड से भी कट कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि कैपेसिटर्स जो है, जो हमको 1.8 2.8 के जो कैपेसिटर्स हमको मिले, वो हमको ये दोनों खड़े वाले कैपेसिटर्स, तो इसको तो हटा देते हैं। तो इसका जो हमको वोल्टेज नहीं मिल रहा था, तो इस साइड में हमको मिलना चाहिए वोल्टेज, और इस तरफ तो ग्राउंड है, और इसका भी इस साइड में हमको वोल्टेज मिलना चाहिए 380 के आसपास दिया जा रहा है। तो ये हमारा 2.8 की लाइन है, ये हमारी 1.8 की लाइन है। एक बार मैं यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करके या चार्जर कनेक्ट करके भी चेक करना चाहूँगा कि इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बैटरी तो हमने कनेक्ट कर लिया है, एक बार विदाउट चार्जर हम चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेजेस क्या कुछ बन रहा है इसमें। ईमेंसी अगर सही होगी तो फिर हो सकता रैम के भी इश्यू हो, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं। अगर नीचे की साइड देखें कोई वोल्टेज नहीं, ईमेंसी के पूरे आसपास चेक कर लेते हैं। अब एक बार इसमें हम चार्जर लगाएंगे और चार्जर लगा करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम चार्जर का केबल लगा लेंगे इसमें, और अभी बैटरी भी लगा लेंगे। बैटरी लगाने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे रख लेंगे और इसमें हम अभी चार्जर लगाएंगे और चार्जर लगा करके एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे 2.9 का वोल्टेज हमारा आ चुका है एमएमसी के लिए जो वोल्टेज आना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 2.9 का, 1.8 का भी वोल्टेज यहाँ पे मिल गया मुझे, और 2.9 का जो वोल्टेज है यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये वाला मेरा VCC का हो गया और ये वाला मेरा VCCQ का हो गया। मतलब एमएमसी के जो वोल्टेजेस है वो तो आ रहे हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो रैम के वोल्टेजेस होते हैं कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। दोस्तों एमएमसी के वोल्टेज अगर आ रहे हैं तो रैम के वोल्टेजेस भी बनने चाहिए। तब रैम के वोल्टेजेस को देखने के लिए ये वाला जो हैंडसेट है इसके अंदर लगता है एक 15 बॉल का एसी, जो कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूं अगर डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक VDD बक करके एक आईसी का यूज किया गया है, जो कि 1002 नंबर से एक आईसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1002 की जो आईसी है, ये वाली आईसी, इसका एक कॉइल होता है जहां पे आपको VPH सप्लाई इन कराई जाती है, इसमें I2C सप्लाई आती है और एक सीधा इसका CP के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने इसका डायग्राम बनाया था। तो यहां से इसके जो वोल्टेजेस आउटपुट निकलेंगे 0.6 के आसपास वोल्टेजेस, जो कि हमको एक रजिस्टर में मिलने चाहिए, जो कि लो वोल्टेज डबल डाटा रेट, जिसको हम LPDDR भी बोलते हैं, लो पावर डबल डाटा रेट। तो यहाँ पे इसका जो रजिस्टर है R403 जो है, इसको हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो कहाँ पे रख के है ये R403, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो वोल्टेज है हमारा 0.6 का वोल्टेज होता है LP4X का, इसमें रैम है जो कि हमारा पिन नंबर इतने कनेक्ट होते हैं इसमें, जो कि H20, K18, H18, K20, H22 और K22, मतलब ये 6 पिन के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है और भी बहुत सारे जगह पे ये कनेक्ट होता है। तो अब हमको ये देखना है कि इस वाले रेजिस्टर पे, जो कि इसके बैक साइड में होता है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो बैक साइड में अगर बात करें आप, तो इसकी इस आईसी के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल के पास एक रजिस्टर है यहाँ पे, इसके ऊपर हमको 0.6 के आसपास के वोल्टेजेस मिलने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा इस वाले रजिस्टर पे, यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज जो है आपको 0.2 के आसपास ही आ रहा है, मतलब आपको आना है यहाँ पे 0.6 के आसपास।
अगर इस साइड में अगर बात करूं मैं तो ये जो लाइन है हमारी यहाँ पे भी देख सकते हैं 0.2 के आसपास, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा आईसी है। तो इस आईसी से यहाँ पे वीपीएस सप्लाई दे करके यहाँ से इसको निकालते हैं 0.6 का वोल्टेज, बट यहाँ पे अभी हमको 0.2 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक फॉल्ट हमको मिला कि रैम का वोल्टेज जो है वो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम इस आईसी को बाईपास कर सकते हैं। कैसे बाईपास करना है मैं यहाँ पे आपको लाइव करके बताऊंगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको बैटरी वगैरह निकाल लेता हूँ, थोड़ा करीब से बताना चाहूंगा आपको। इसका मैं आईसी का नंबर भी बता दूंगा आपको, चार्जर वगैरह सब निकाल के बाजू रख देते हैं। तो यहाँ पे एक बार आईसी का नंबर आप देख लीजिए, नंबर है PMS003A। इस तरह की काफी सारे हैंडसेट में ये आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं एक बार CPU-MMC को वापस से कंफर्म कराना चाहूंगा, ये देख सकते हैं CPU SDM636 है और 100A इसका CPU है। आईसी का नंबर भी देख लीजिए, क्योंकि इसी आईसी में मैं बाईपास करने वाला हूँ SEC916B705। ये नंबर MMC का है, याद रख लीजिए। बाकी बोर्ड का कंडीशन आप जान सकते हैं, यहाँ से MMC से कटा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास ये आईसी है तो आप इसको दूसरा चेंज करिए, अगर नहीं है तो ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं ये इसका आउटपुट का रजिस्टर है, जो कि R403 नंबर से होता है। अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ R403 को अगर हम नेक्स्ट करें तो ये 0 ohms का रजिस्टर होता है। तो इस रजिस्टर के आउटपुट में अगर आप देखोगे तो 0.6 की सप्लाई है। तो ये सप्लाई जो है आपकी रैम के लिए जाती है। यहां से अगर मैं बात करूं, आप थोड़ा सा यहां से नेक्स्ट करके बता देता हूं मैं आपको। तो ये तो उस आईसी से आ रही है सप्लाई, जो कि यहाँ पे हमारा MMC है, वही हमारा U201 जो है हमारा CPU कंट्रोल होता है। तो यहां से भी कनेक्टेड होती है ये लाइन, CPU और RAM से कनेक्ट होती है और IC के साथ भी कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम इसको कैसे बाईपास करेंगे, तो यहाँ पे हम एक बार लेआउट में आते हैं। और लेआउट में मैं आपको बता दूं, ये जो पावर आईसी इसका लग के यहाँ पे दिख रहा है आपको PM660, इसमें पावर है। तो पावर में से हम इसका APC का जो सप्लाई होता है, जो कि अभी हम देखेंगे पावर का नंबर क्या है, U501। तो U501 हम डायग्राम में आके डालेंगे Ctrl+V, और U501 में से हम इसका APC का सप्लाई निकालेंगे। ये कंट्रोल सेक्शन हो गया इसका, ये GPIO सेक्शन, और ये हो गया ग्राउंड का सेक्शन, और ये हो गया इसका HAP हाउसकीपिंग या हेडफोन के लिए या ऑडियो का सेक्शन हो गया। SDM HAP VPS सप्लाई यहाँ पे आ रही है, और मोटर वाइब्रेटर वगैरह के लिए है ये। और नेक्स्ट करते हैं तो ये इसका होता है LDO सेक्शन, जो कि इसके अंदर जो LDO यूज हुए हैं 19 LDO, लेकिन हमको जाना है बक सेक्शन में। तो बक में से यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो हमारी स्विचिंग सप्लाई होती है, हम इसमें से 0.8 का एक सप्लाई ले लेंगे, जो कि हमारा APC का सप्लाई है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कॉइल नंबर 603, जो कि 0.47 माइक्रो हेनरी का है, ये वाला कॉइल लेंगे, जो कि VSW यानी वोल्टेज स्विचिंग S2 की सप्लाई है, VS2 की सप्लाई, जो कि स्विचिंग सप्लाई 2 है हमारी। इसका अगर हम बात करें कॉइल नंबर 602, तो कॉइल नंबर 602 अगर हम चेक करें तो कॉइल नंबर 602 इसका ले सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें कॉइल नंबर 601 भी ले सकते हैं, 601 से भी आप ले सकते हैं, जो कि हमारा VS1 का सप्लाई है। अगर इसकी बात करूं VS1 की, तो ये जो सप्लाई जा रही है, यहाँ पे मैं एक बार सर्च करके बता देता हूँ आपको, VS1 की सप्लाई APC की सप्लाई है। और अगर मैं बात करूँ VS2 की सप्लाई, तो एक बार ये भी बता देता हूँ VS2 किसके लिए, VS2 पे भी 0.8 का ही वोल्टेज है, और ये जो सप्लाई हमारी है VS2 की भी सप्लाई APC की है। तो मैं VS1 में से लेना चाहूंगा, जो कि कॉइल है हमारा 601। यहाँ पे अगर बात करें तो 3 नंबर कॉइल 601 का कॉइल है हमारा, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है, ये देख सकते हैं। यहाँ से जो सप्लाई आउट होगी मोबाइल ऑन होने पर 0.8 का सप्लाई, उसके बाद यहाँ से सप्लाई CPU के लिए जाती है। तो इसके बीच में मैं डायरेक्ट कॉइल निकाल के तो नहीं मारूंगा, अगर यहाँ पे आसपास में कोई कैपेसिटर इसके साथ कनेक्टेड है, तो 601 जो कॉइल है हमारा VS1 का, अगर बात करें L601 के साथ अगर बात करें यहाँ पे कॉइल देखते हैं नेक्स्ट करके, यहाँ पे हमको एक कैपेसिटर मिल जाना चाहिए, वहां से हम जम्पर लेंगे और इस आईसी को हम बाईपास करेंगे, क्योंकि अभी आईसी तो है नहीं, तो आप बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक कैपेसिटर मिल गया, बहुत सारे यहाँ पर कैपेसिटर्स लग के हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें मैं तो
C425 जो देख रहे हैं आप, 424 भी है यहाँ पे, और 408, 426, 425 ये देख सकते हैं C425। 425 का जो कैपेसिटर है यहाँ पे लग के है, जो कि आपका बड़ा वाला कैपेसिटर, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 425 का कैपेसिटर, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा 0.8 का, तो हम यहाँ से लेकर के जम्पर एक यहाँ पे हम दे सकते हैं। अगर आप आईसी को निकालना चाहें निकालिए, या नहीं तो हम यहाँ से यहाँ तक जम्पर दे देंगे, क्योंकि आईसी लगी हुई रहेंगी तो आप समझेंगे कि आईसी ही वर्क कर रही है। तो यहाँ पे मैं आईसी को निकाल के बताऊंगा, हालांकि लगी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस आईसी को निकाल के आपको जम्पर करके बताऊंगा कैसे बाईपास करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। तो यहाँ पे मैं आईसी, सबसे पहले आईसी निकालूंगा। ये दोस्तों, ये जो सब ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, आपको हम क्लास में सिखाते हैं, हालांकि इस तरह के वीडियोस कोई भी यूट्यूब पे आपको बताएंगे नहीं। जब हम डालते हैं तो काफी सारे यूट्यूबर्स और इंस्टीट्यूट वाले कॉपी कर लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हम लोग रिसर्च करके डाटा रखते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को ही हम क्लास ज्वाइन करने पर बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईसी को मैंने निकाल लिया है, तो एक बार इस आईसी को मैं बताना चाहूंगा। ये देख सकते हैं ये वाला आईसी, तो इसको मैं यहाँ पे बाजू रख देता हूँ, या फिर हटा देते हैं इसको। अब हमको करना क्या है फ्रेंड्स, इसमें हमको एक जम्पर करना है, जो कि एपीसी की जो सप्लाई है हमारी, इस वाले कैपेसिटर से हम एक जम्पर लेंगे और इस रेजिस्टर को देंगे। पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि कैपेसिटर का ग्राउंड पिन किधर है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड से जम्पर दे देंगे तो लाइन शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि ग्राउंड पिन किधर है। तो रजिस्टर का ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड है, थोड़ा गर्म है बोर्ड इसलिए यहाँ पे बीप कर रहा है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। हालांकि हर बीप देने वाली चीज शॉर्ट नहीं होती है, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये इसका है ग्राउंड पिन, और यहाँ पे ऊपर के साइड अगर बात करूं 310 की रीडिंग आ रही है। हालांकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये वाली लाइन हमारी रैम और सीपीयू तक जाती है, ये भी कनेक्टेड ही है वहां तक। तो यहाँ पे हम यहाँ से एक जम्पर लेकर के यहाँ पे देंगे, और उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारा फॉल्ट सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैं एक जम्पर वायर ले लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ध्यान में रखिए आईसी यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसके जम्पर लगाएंगे, तो जम्पर के लिए थोड़ा सा सामने का जो सिरा होता है इसको थोड़ा सा पहले से ही हम ठीक है। तो सबसे पहले एक साइड में हम इस तरह से कैपेसिटर पे सबसे पहले जम्पर कर लेंगे। तो कैपेसिटर जो है हमारा देख सकते हैं यहां से एक जम्पर लेंगे इस कैपेसिटर से, जम्पर हम करेंगे यहाँ से लेकर के, थोड़ा इधर से हटाना है क्योंकि ये सब वोल्टेज की सप्लाई होती है, कहीं से टच हो जाए तो शॉर्टिंग आ सकती है।
चलिए यहाँ पे बम्पर मैंने लगा लिया है और इसको कट कर लेंगे अभी, और इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देंगे ताकि किसी के साथ कनेक्ट ना हो। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्पर मैंने कर लिया है। एक बार मैं पीछे साइड बताना चाहूंगा कि एजेंसी हमारा वही नंबर का है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे सीपीयू भी वही है, आप देख सकते हैं जो मैंने ये निकाला था अभी वैसा ही है। तो ये चलिए इसको एक बार, अभी मैंने जो जम्पर कर दिया यहाँ पे इसे एपीसी का जो सप्लाई होता है 0.8 का मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एक बार डिस्प्ले कनेक्ट करते हैं और डिस्प्ले कनेक्ट करके चेक करते हैं क्या हमारा फॉल्ट सॉल्व होता है कि नहीं होता है। और इसमें फ्रेंड्स मेरा बताने का यही मकसद है कि रैम की सप्लाई अगर इश्यू आ जाए या रैम से कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भी आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। आप सिर्फ ईएमसी की डीसी की स्विचिंग से सिर्फ ये अंदाजा है, सिर्फ मत लगाइए कि सिर्फ और सिर्फ ईएमसी फॉल्ट होता है। आपको एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए, हालांकि नॉलेज तो आपको बहुत जगह मिल जाएगी, बट प्रॉपर नॉलेज के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। बाकी आपकी मर्जी है, कहीं भी जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार मैं चार्जर लगाना चाहूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा लोगो आ चुका है, यानी हमारा जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेंगे, देख सकते हैं एक बार हम इसको ऑन करके भी चेक करेंगे। तो एक बार मैं बैटरी निकाल के वापस से लगा देता हूँ, ये कहीं पे टच नहीं होना चाहिए, कहीं पे टच होगा तो लाइन शॉर्ट होगी आपकी। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे टच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक बार हम ऑन करके भी चेक कर लेते हैं, तो एक बार ऑन भी कर लेंगे, बैटरी में शायद चार्जिंग नहीं होगी तो ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बार ऑन कर लेंगे इसको, डीसी से हम ऑन कर लेंगे, बैटरी में अगर चार्जिंग नहीं होगी तो यह ऑन नहीं होगा। तो एक बार मैं डीसी से भी ऑन करके आपको बताना चाहूँगा, या अगर आपके पास आईसी अगर हो तो आप आईसी दूसरी डालिए, बेटर वही होता है कि आईसी डालिए दूसरी। ये बाईपास वगैरह अभी अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हैंडसेट ऑन हो रहा है, क्योंकि पावर की अच्छे से प्रेस नहीं होगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं पूरी तरह से ये वापस से खुलता है कि नहीं खुलता है। तो ये देख सकते हैं MIUI का लोगो आ चुका है हमारा यहाँ पर, और हैंडसेट अभी पूरी तरह से ऑन हो रहा है। दोस्तों इसमें मेरा बताने का यही मकसद था कि रैम के लिए भी काफी बार कहीं अलग अलग तरह की आईसियां यूज होती हैं। 800 देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरी तरह से हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अभी वर्क भी करेगा, देख सकते हैं पूरी तरह से वर्क कर रहा है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है इसमें, सारा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना यही था कि कई मरतबा ऐसा होता है कि आईसियां खराब हो जाती है, डायग्नोस करने का मेथड नहीं मालूम होता है आपको, फॉल्ट को फाइंड आउट करने नहीं आता है, तो हम कहीं और जगह पे काम कर लेते हैं, कभी UMC पे चले जाते हैं, कभी CPU पे चले जाते हैं, सिर्फ DC का रीडिंग या फिर आपको ये चार्जिंग का रीडिंग देखना नहीं है, प्रॉपर रीडिंग देखना है कि प्रॉपर तरीके से काम करना है, कि ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा,
ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये करना है मुझे। तो ये फोन फिक्स हैदराबाद में आपको डीसी की स्विचिंग बताई जाती है, कैसे आपको फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, सीपीयू में फॉल्ट है, एमएमसी में फॉल्ट है, या रैम में फॉल्ट है, या यूएफएस में फॉल्ट है, पावर एसी का प्रॉब्लम है, डीसी टू डीसी का प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। दोस्तों मोबाइल को रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप कूल टेस्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं, हॉट टेस्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है उसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारा मोबाइल में चेक करने के टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं, आईसीयू के टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एमएमसी के लिए कब वोल्टेजेस बनते हैं और कितने बनते हैं, पावर एसी के वोल्टेजेस कब बनते हैं कितने बनते हैं, सीपीयू के वोल्टेजेस कब बनते हैं कितने बनते हैं। अगर आपको पता है तो 100% आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 0.6 के वोल्टेजेस जो है हमारे यहाँ पे एपीसी के जो वोल्टेजेस बनते हैं ये बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार ऑन कर दूंगा, एक बार ऑन करके एक बार वोल्टेज भी बता दूंगा। तो उसके लिए मैं एक बार डीसी 20 पे आपको डालना चाहूंगा, और डालने के बाद चार्जर या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, या बैटरी कनेक्ट करके भी देख लेते हैं। तो एक बार मैं चार्जर लगा दूंगा यहाँ पे, और मैं आपको वोल्टेज चेक करके भी बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने चार्जर लगा दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए जो वोल्टेजेस आ रहे हैं, 0.8 का वोल्टेज मैंने यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज यहाँ से 0.8 का बन रहा है यही वोल्टेज मैंने यहाँ पे दिए है, देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, तो मोबाइल तो हमारा सारा प्रॉपरली काम करेगा। तो फ्रेंड्स कितना वोल्टेज कहां से बाईपास करना है, विदाउट आईसी भी आप काम कर सकते हैं, कौन से आईसीओ को बाईपास कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आईसी हैं जो हम बाईपास कर सकते हैं, हालांकि इसमें आईटूसी क्लॉक डाटा की भी सप्लाई आती है जैसे कि आपने डायग्राम में देखा होगा। बट फ्रेंड्स नॉलेज जो है एक अच्छा टीचर, एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको दे सकता है, क्योंकि फोन फिक्स हैदराबाद की जो पूरी टीम है यहाँ पे सालों से काम कर रहे हैं, हमारा 20 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करेंगे, और जो हमारा दिन रात हम मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, सारी चीज आपको देते हैं हम 20 दिन के अंदर, कोशिश करते हैं देने की, इसके बाद भी एक साल तक पूरा सपोर्ट देते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कॉलिंग के थ्रू, ताकि एक साल तक आप अच्छे से आपका हैंड स्किल बन जाए, आपकी नॉलेज बन जाए, फिर आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर लेते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और भी बहुत सारे वीडियोस हम लाते रहेंगे, हमारे चैनल के लिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे वीडियोस है जाकर देखिए, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से अपना प्यारा सा कमेंट नीचे दीजिए, प्यार देते रहिए। नेक्स्ट बैच 27 मार्च से है, अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।